जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, तो ये इनके साथ कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए ये हमारी लड़ाई है, इसलिए पायदल बचाओ मारे जाए। और आपने जैसे कहा भी कि सरकार को ये लेना ही पड़ेगा ये फैसला, देखिए सरकार जब तक ये फैसला नहीं लेगी तब तक हमने भी ठान लिया, हमारे नौजवानों ने ठान लिया। आपने देखा कि पिछली बार जो भी हमारी ट्राइबल जिस डिस्ट्रिक्ट में भी गई वहाँ पर लोगों ने कैसे इस्तकबाल किया, कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जैसे कि जी डी शर्मा कमीशन रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई थी, जो ये ट्राइबल बचाओ मारे चाहे हमारी एक ही बैनर के नीचे जॉइंट एक्शन कमेटी, क्योंकि जो भी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी मुख्तलिफ वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे आई, एक ही अम्ब्रेला के नीचे, जिसका नाम हमने फिर जॉइंट एक्शन कमेटी रखा। और उसके चेयरमैन हाजी यूसुफ मजनू साहब हैं रामबन के, तो उनकी क्यादत में हमारी टीम चल रही है जो पायदल बचाओ मारच है। देखिए पायदल बचाओ मारच का यही मुद्दा मकसद हमारा कि जो जी डी शर्मा कमीशन रिपोर्ट पिछले दिनों इन्होंने भेजी बंद कमरे में बैठ के, क्योंकि एक उन्होंने ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ देखा नहीं, ऐसे चुप करके जो कमीशन आगे भेजी सरकार को, तो उन्होंने वैसा वहाँ से कहा कि हम पहाड़ी जो जैसे शर्मा हैं, गुप्ता हैं, सही शाह वगैरह, इनको हम इंक्लूड कर देंगे एसटी में। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है, क्योंकि देखिए जो शर्मा वगैरह हैं, गुप्ता वगैरह हैं, शाह हैं, सईद हैं, ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, बड़े बड़े कैम्ब्रिज स्कूलों में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, तो ये इनके साथ कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए ये हमारी लड़ाई है, इसलिए पायदल बचाओ मारे जाए। और आपने जैसे कहा भी कि सरकार को ये लेना ही पड़ेगा ये फैसला, देखिए सरकार जब तक ये फैसला नहीं लेगी तब तक हमने भी ठान लिया, हमारे नौजवानों ने ठान लिया। आपने देखा कि पिछली बार जो भी हमारी ट्राइबल जिस डिस्ट्रिक्ट में भी गई वहाँ पे लोगों ने कैसे इस्तकबाल किए, कैसे लोग खासकर यूथ कैसे मिले हमारे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में ठीक ठाक सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोग्राम। अब हमारी टीम जम्मू का रुख किया, उन्होंने जम्मू डिवीजन का किया, अभी पुणे से सुरनकोट चल रही है। और मेरी थोड़ी सेहत का तकाजा था, बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए था, इंशाल्लाह मैं भी सुबह निकल रहा हूँ यहाँ से, तो हमारी टीम चल रही है। बाकी आपने देखा रामबन में कैसे हो रहा है, डीपुरा में आपने कल देखा वो बंदे कर रहे हैं, तो ऐसे ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। और जब तक जी डी शर्मा कमीशन रिपोर्ट वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमारा तब तक पायदल मारच जो बचाव मारच है ये चलता रहेगा। देखिए जनाब हमें कौन छेड़छाड़ रहा है, हमें तो कोई नहीं नुकसान रहा है, हमें पता हमारे हकूक क्या हैं, हमारे नौजवान आज यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच चुके हैं, कॉलेजेस में पहुँच चुके हैं, तो हमें कौन नुकसाएगा। देखिए ये ऐसे ही बात है, हाँ गवर्नर साहब ने किया, एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो बयान दिया हम उसकी तारीफ करते हैं, हम कदर करते हैं उस बात की, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी रिजर्वेशन में हमारी जो 10% हमारा कोटा है एसटी है उसमें शमूलियत नहीं की जाए। आप पीएसपी है, आप उसको बढ़ा के 4% से 10 कर दो, 20 कर दो, 50 कर दो, हम उनकी सपोर्ट में, लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है, हमारे जो 10% कोटा है, हमारी रिजर्वेशन में किसी को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहाड़ी लोग ट्राइबल है नहीं है जनाब, देखिए अगर ट्राइबल लोग हम लोग हैं, ट्राइबल हम गरीब लोग हैं, हमारे देखिए सर कुछ बकौल लोग हैं ना, ये कभी वायलेंस चाहते नहीं हैं, इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का हाथ जोड़ के रखा, हिंदुस्तान की बात मानी, हिंदुस्तान के साथ चलते रहे, और हम हिंदुस्तानी पक्के हिंदुस्तानी हैं। तो अगर हमारे जो हुबले वतनी का जज्बा रखने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ सरकार जब ऐसी छेड़छाड़ करेगी तो दुख तो होगा ना। एक तरफ से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम गुजर बकौर लोगों के लिए ये कर रहे हैं, गुजर बकौर लोगों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं हमारे नौजवान आज सड़कों पे उतर आए हैं तो अफसोस की बात है। हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरीज में पहुंचे हैं, और इनको पता है। देखिए हमने पिछली बार जो हमारे ट्राइबल बचाओ मारच में है, हमारे साथ इंजीनियर नसीर है, इंजीनियर अजहर जी है, एनआईटी स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट तालिब जी हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो एडवोकेट हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर नसीर है, आसिफ है छुपियान से, ये इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो इन लोगों को ये पागल थोड़ी ना हो गए सड़कों पे उतर आए, अपने हुकूक को इनको पता है हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। और आप देखिएगा, देखिए मैं अपनी बात करूंगा, अपनी टीम की बात करूंगा, हम कुछ बंदे जो चलने वाले हैं ट्राइबल बचाओ मारच में जो हमें ज्वाइन करते हैं, तो मैं बात रहा, हमने कफन बांध लिया जनाब, हमने अपनी जान की कुर्बानी देनी है, ठान लिया हमने कि हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे इस कम्युनिटी के लिए। अगर सरकार को तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे हुकूक है, हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पीसफुल मूवमेंट है, हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं या किसी के हुकूक को छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, हम अपने हुकूक को बोल रहे हैं, हमारा जो हक है हमारे हक पे डाका ना डालिएगा। आप देखिएगा आने वाले वक्त में कैसे एक इनकलाब आता है, कैसे एक चेंजिंग आती है, वो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। देखिए
हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार वापस नहीं लेगी जो जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट है, जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक हमारा जो ये पीसफुल ट्राइबल बचाओ मारे के कंटिन्यू चलता रहेगा। और मैंने आपसे ये ऑन रिकॉर्ड बात बताता हूँ कि अभी हमने जम्मू का रुख किया, जम्मू कश्मीर में अभी हम चल रहे हैं, और अगर हमारी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें शायद दिल्ली जंतर मंतर का रुख करना पड़ेगा, और हम तैयार हैं अपने हुकूक के लिए, इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए आज हाजिर हैं, कम्युनिटी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मेहमान साहब देखिए शफीक भाई, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ट्राइबल लोगों का लीडर कोई भी नहीं है, ठीक है सर। जो लीडर मानते हैं अपने आप को कि हम गुजर बकवा लोगों के लीडर हैं, मैं उनको लीडर नहीं मानता हूं। मैं इस टाइम प्रेजेंटली अपने नौजवानों को जो इस टाइम पैदल बचाओ मार्च में जो एक मूवमेंट चला रहे हैं, मैं उन लोगों को लीडर मानता हूं, और वो हमारे लीडर हैं, वो हमारी कम्युनिटी के लीडर हैं, हमारा लीडर कोई नहीं है। बाकी बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही है, सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है उन लोगों के लिए कि वो ऐसे हम लोगों पे सियासत खेलें। देखिए उनको पता है कि पहाड़ी लोग जैसे राजौरी पुनछ में पहाड़ी लोग हैं, वो कुछ सीटें हमारी हो जाएंगी। तो एक बात मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अगर ये जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट वापस नहीं ली तो हमारी जनता सड़कों पर आएगी, फिर उसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी, और ये आने वाले वक्त में हम गरीब लोग हैं, हम बेजुबान लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इंशाल्लाह सरकार को जवाब जब इंतखाबात होंगे, असेंबली इंतखाबात होंगे या पार्लियामेंट निश्चित होंगे, उनमें इनको जवाब देंगे, और इंशाल्लाह 35 लाख जब एक साइड अपोजिट होगी तो उसका पता चलेगा कि सरकार को कि गुजर बकवाल लोगों के साथ जो जंग हमने छेड़ी है उसका हमें क्या खीमा भुगतना पड़ा। देखिए मैं अपने लोगों से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे हुकूक पे छेड़छाड़ी कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जब तक गुजर बकवाल लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो चुके हैं, मैं सरकार का शुक्रगुजार भी हूँ एक बात से कि उन्होंने हम लोगों को आज जगा दिया है, उन लोगों ने हमें इकट्ठा कर दिया है। और जैसे हमारे नौजवान आज जुड़ रहे हैं जनाब, नौजवान ट्राइबल लोग कभी आगे नहीं आते थे, इनको पता नहीं था अपने हुकूक का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमारे नौजवान यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं तब से इनको पता चल गया कि हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ी की तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी अपने नौजवानों से खासकर ट्राइबल लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके जो जॉइंट एक्शन कमेटी इस टाइम मूवमेंट एक पीसफुल चला रही है इसका सपोर्ट करें, जानी माली सपोर्ट करें, और आप देखिए इंशाल्लाह हमने जंग छेड़ी है, और इंशाल्लाह हम अपने जो मकसद हमारा हो चुके हैं। मैं सरकार का शुक्रगुजार भी हूँ एक बात से कि उन्होंने हम लोगों को आज जगा दिया है, उन लोगों ने हमें इकट्ठा कर दिया है। और जैसे हमारे नौजवान आज जुड़ रहे हैं जनाब, नौजवान ट्राइबल लोग कभी आगे नहीं आते थे, इनको पता नहीं था अपने हुकूक का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमारे नौजवान यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पहुँच चुके हैं तब से इनको पता चल गया कि हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ी की तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी अपने नौजवानों से खासकर ट्राइबल लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके जो जॉइंट एक्शन कमेटी इस टाइम मूवमेंट एक पीसफुल चला रही है इसका सपोर्ट करें, जानी माली सपोर्ट करें, और आप देखिए इंशाल्लाह हमने जंग छेड़ी है, और इंशाल्लाह हम अपने जो मकसद है हमारा